हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ शबीर अहमद एंड वेलकम टू द चैनल टेक्निकल चारों। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एक कीस्टोन कनेक्टर कैसे लगाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं RJ45 कलर कोड के बारे में, जिसमें दो तरह की कैटेगरीज हैं हमारे पास, कैटेगरी ए है और कैटेगरी बी है। तो ये हमारे पास T568B कैटेगरी है, ये वाली। उसके पास T568A, ये हमारे पास ए कैटेगरी है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूज़ कैटेगरी बी का इस्तेमाल होता है, ये वाली। ये जो फर्स्ट पे है ना, T568B, ये हमारे यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होती है। सो हम इसी पे ही काम करेंगे। सो विदाउट वेस्ट योर टाइम, हैवी गो। आपने सिंपली से काट लेना स्लीवर के साथ, अगर स्लीवर नहीं है तो ये इसके साथ भी कट जाएगा। अच्छा, जैसे हम ये हमारे पास आज एक ऐसा आयोज है, इसे कीस्टोन भी कहते हैं कुछ लोग, मैं आयोज कहता हूँ, आयोज कनेक्टर कहता हूँ। तो आयोज कनेक्टर RJ45 का है ये, ठीक है। हम सिंपली जैसे RJ45 का एक कनेक्टर लगाते हैं, जैसे पैच कोड बनाने के लिए लगाते हैं, वैसे ही तारों को वैसे ट्विस्टेड पेयर बना लेंगे, कोडिंग कर लेंगे, वही ऑरेंज वाइट, ऑरेंज ब्राउन, ग्रीन ब्लू, फिर ब्लू वाइट, और फिर ग्रीन, ब्राउन वाइट और ब्राउन। वैसे के वैसे एक ट्विस्टेड पेयर आपने तैयार करने हैं। सिंपल करना है कि आपने कैटेगरी ए और बी का मैं आपको बता चुका हूं, तो सिंपली आपने एक बात का ख्याल रखना है, इसे इसी तरह ही लगा देना है। ये वन लिखा है, टू लिखा है, थ्री लिखा है। हम एक ये फार्मूला भी है, इसे ग्रीन पे भी लगा सकते हैं, ग्रीन में वन भी आ रहा है, ग्रीन में टू भी आ रहा है। हम ऑरेंज इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पहले हमारे पास ऑरेंज है, तो हमारा कैटेगरी बी है, तो कैटेगरी बी में हमारा ऑरेंज पहले आएगा, ना के ग्रीन। तो सिर्फ डिफरेंस यही है कि बाकी वही पेयर हैं आगे, 3, 4, 5, 6 और 7, 8। हमारा एक और दो का मसला है जिसमें ग्रीन आ रहा है। कुछ लोग पहले एक और दो, एक नंबर तार, दो नंबर तार लोग ग्रीन इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन ग्रीन वाइट, फिर ग्रीन इस्तेमाल करते हैं। हम करते हैं ऑरेंज वाइट और ऑरेंज, तो वही देखेंगे, हम उसी फार्मूले से चलेंगे। तो इस तरफ से लगेंगे, ये सुराख है, नज़र आ रहे होंगे। इसमें आपने सारे तारों को 8 के 8 तारों को डालना है सिंपली। ये डल चुकी हैं और इस तरह से ना, ठहरे में करके देखते हैं, थोड़ा गलत हो गया, अगेन करेंगे। आपको नजर आ रहा होगा तारे निकल आ चुकी हैं सारी, 8 के 8 तारे बाहर हैं, ठीक है। तो अब एक बात का ख्याल रखना है कि आपने एक RJ45 का कनेक्टर लगाना है, तो उसका एक ऊपर वाला हिस्सा होता है, एक नीचे वाला होता है। ये आपको मैं दिखा दूं, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि तारों को, जो RJ45 का एक कनेक्टर होता है, जो केबल कनेक्टर होता है, वो वाला, ये ऊपर वाला हिस्सा किस तरफ आ रहा है। तो ये हमारा इस तरफ आएगा, आपने इस बात का ख्याल रखना है, सिर्फ ये इस तरफ ऊपर आ रहा है, तो आपने इसी हिसाब से इसको उठाना है, ऐसे से ले आना है और इसी तरह ले जाना है। तो हम ऐसे लगाएंगे, फिलहाल इधर से मैं समझा देता हूँ, आसानी हो जाएगी ज़रा। ऑरेंज वाइट तारें हमारी इस तरफ आ रही हैं, तो ऑरेंज वाइट तारों को इस तरह लेके जाना ऊपर, तो हमारी ऊपर तारें इस तरफ आ रही हैं ऑरेंज वाइट। तो हम उसे क्या करेंगे, ऑरेंज वाइट तारें इस तरफ आ रही हैं, हमारे पास इधर ऑरेंज वाइट तारें आ रही हैं, तो सिंपली उसे ऊपर रखेंगे, ऑरेंज वाइट तारों को इस तरह से शुरू हो रही हैं, तो ऐसे रखेंगे तो इसे पंच कर देंगे, ज़रा ज़ोर लगेगा, थोड़ा सा पंच हो जाएंगे, मज़ीद ज़ोर लगेगा। ये हो चुकी हैं, ठीक है।
ये हमारी एक तरफ से लॉक हो गई, ये लॉक थोड़ा खुल गया था, अगेन बंद कर दूँगा मैं। अच्छा ये लॉक भी तब लगेगा जब आपकी ये पूरी प्रॉपर तरीके से पंच हो जाएगी, पंच हो चुकी है ठीक है। तो बहुत ही आसान है, करना ये है कि वो मैं फर्दर से इसका क्या इस्तेमाल है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रॉपर दिखाऊँगा वायरिंग के साथ। चलें देखते हैं, चलो करते हैं। अच्छा जी अब हम आ गए हैं बैक बॉक्स की तरफ। ये बैक बॉक्स ये देखिए डक्ट हुई है, डक्ट में सितारे आ रही हैं, ये बैक बॉक्स लगा है, ड्रिलिंग हुई है, ड्रिलिंग के साथ दो पेज लगे हैं। ये बैक बॉक्स को 3x3 का बैक बॉक्स है और 3x3 की फेस प्लेट है ये वाली, ये पूरी फेस प्लेट। पीछे इसके अंदर लगे हैं RJ45 के आयुष कनेक्टर, ये दो वायर्स आ रही हैं अपलिंक से ठीक है। और इसमें सिंपली करना क्या, आपने इसकी ऊपर और नीचे के देख ली, आपको ये लगाना तो आए क्या होगा, तो इसे आपने देखना इसका उल्टा सीधा मुँह किस तरफ है। तो ये जो जैक ये है ना, इसका बटन, ये इससे जाहिर होगा कि आपको कैसे लगाना है ये फेस प्लेट पे। तो सिंपल है वो, एक दफ़ा देख लीजिएगा, मैं अब दिखा भी दूंगा, ज़रा कैमरा थोड़ा आगे कीजिए। तो ये जो कट है ना, ये वाला कट जाहिर करता है इसको, इस कट को वो आप इसके फेस देख लें और सिंपली करना ये ऐसे लगा के इसे लगा देना ठीक है, सिंपल है। इसके बाद इसे बंद कर देना, दो स्क्रूज ले लें, एक बंद हो गया। अब हमारा दूसरा भी बंद हो जाएगा। ये देखें एक वो बंद हो गया, सिर्फ इस तरह बंद कर लेना। अच्छा इसे ज़्यादा टाइट भी नहीं करना, ये ख्याल रखना है कि ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा ना, इसे इसकी फेस प्लेट को फेस देने वाला हिस्सा, वो लगेगा नहीं, टाइट हो जाएगा तो लगेगा नहीं, आगे पीछे हो जाएगा, ये बैक बॉक्स टाइट हो जाएगा तो अंदर से कस जाएगा तो ये सही लगेगा नहीं। इसका ख्याल रखना कि बस थोड़ा ज़्यादा टाइट भी नहीं करना और लूज़ भी नहीं रखना, बस ये बंद हो जाए। और ऊपर से ये लगाने के लिए इसलिए होता है कि बस स्क्रूज़ को खोले ना, ढीला ना करें। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।